फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको एक कलर की डिजाइन बनाना बताएंगे। ये डिजाइन जो है जेंट्स स्वेटर में डालिए, बच्चों के स्वेटर में डालिए, कोटी, कार्डिगन, ब्लैंकेट, फ्रॉक, कहीं भी डालिए साल, तो ये डिजाइन ऑल प्रोजेक्ट में इसको आप अप्लाई कर सकती हैं। ये 8 मल्टीपल में फंदे लेने रहते हैं, किनारे के लिए 2 फंदा एक्स्ट्रा, इस तरह से 8 8 8 करके ऐसे आपके स्वेटर में जितना भी फंदा है बनाना है वो 8 8 करके इसे जोड़ लीजिए। एक फंदा इस किनारे के लिए, एक फंदा इस किनारे के लिए, तो ये डिजाइन बहुत आसानी से बैठ जाती है, बहुत आसानी से बन जाती है। तो फ्रेंड देखिए, इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। किनारे का एक फंदा उतार लिया, एक फंदा सीधा। अब एक फंदे में से 5 फंदा हमको बनाना है। एक धागा आगे करेंगे 2, फिर इसी में बुनेंगे 3, फिर धागा आगे करेंगे 4, फिर इसी में एक बार बुनेंगे 5 फंदा। एक फंदे से 5 फंदा हो गया, एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे। अब यहाँ पर एक फंदे से 5 फंदा बनाए हैं तो हमारा फंदा यहाँ बढ़ गया है, डिजाइन भी बनानी है, तो अब 5 फंदे का एक फंदा करेंगे, 5 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, 5 फंदे का एक फंदा, धागा पीछे करेंगे, फिर सीधा। तो फ्रेंड देखिए, यही बार बार रिपीट करेंगे तो डिजाइन बनती चली जाएगी, इसको नहीं गिनेंगे। एक सीधा, एक फंदे से 5 फंदा, 6, ये 7, एक 8, यही 8 फंदे की हमारी ये डिजाइन है। अब देखिए, हम दूसरी डिजाइन फिर स्टार्ट करते हैं। एक सीधा, एक फंदे से 5 फंदा, धागा आगे करेंगे 2, फिर इसी में बुनेंगे 3, धागा आगे करेंगे 4, फिर इसी में बुनेंगे 5, ऐसे 5 बार बुनेंगे, उसके बाद फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, 5 फंदा एक साथ बुनेंगे, 4, ये 5, देखिए 1 2 3 4 5, 5 फंदा एक साथ बुनेंगे। ऐसे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा। ध्यान यही रहे कि इधर हम अगर फंदा बढ़ाए हैं तो हमारा यहाँ पर घटने वाली डिजाइन पड़नी चाहिए। देखिए, यहाँ बढ़ाए हैं, यहाँ घटाए हैं, यहाँ बढ़ाए, यहाँ घटाए हैं, अब फिर हमको जो है यहाँ बढ़ाना है, एक फंदे से 5 फंदा करना, धागा आगे करेंगे तो ये 3 फंदा हो जाएगा, फिर धागा करेंगे 4, फिर ये बुने 5, एक फंदा सीधा। धागा आगे करेंगे, एक फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा, ये 5 फंदा, 5 फंदा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, किनारे वाला फंदा सीधा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये डिजाइन की पहली सिलाई पूरी हुई। अब आ गए दूसरी सिलाई पर, किनारे का फंदा बुन लेंगे और इधर से जो सीधा हम बुने हैं इधर से ये उल्टा बुना जाएगा, और ये जो 5 फंदा में से एक फंदा निकाले हैं उल्टे के तरफ से इसको सीधा बुनेंगे, धागा आगे करके एक फंदा सीधा उल्टा, इधर से उल्टा, और ये जो एक फंदा में से 5 फंदा निकाले हैं उल्टे की तरफ से ये सीधा बुना जाएगा, 1 2 3 4 5, उल्टे की तरफ से सीधा, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 5 फंदा सीधा।
देखिए इसी तरह से दूसरी सिलाई बनाई जाएगी। तो फ्रेंड देखिए डिजाइन की दो सिलाई पूरी हुई। अब हम आ गए तीसरी सिलाई पर। पहला फंदा उतारा, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, ये पांच फंदा, एक में से पांच फंदा जो निकाले थे सीधे की तरफ से ये उल्टा बुना जाएगा, ये उल्टा बुना जाएगा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। अब फ्रेंड यही बार बार हम रिपीट करेंगे, एक फंदा सीधा, पांच फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, यही बार बार रिपीट करेंगे। तीसरी सिलाई इसी तरह से पूरा करेंगे। तो फ्रेंड देखिए डिजाइन की ये तीन सिलाई पूरी हुई। अब चौथी सिलाई, चौथी सिलाई में फ्रेंड देखिए यही करना है जो जैसे दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है उल्टा बुनना है, सीधा दिख रहा है सीधा बुनना है, उल्टा दिख रहा है उल्टा बुनना है, ये पांचों सीधा दिख रहा है सीधा बुनना है। इसी तरह से चौथी सिलाई बनाएंगे, फिर जैसे जो दिख रहा है ये पांच फंदा उल्टा है सीधा उल्टा सीधा, इसी तरह से छठवीं सिलाई। ऐसे डिजाइन को लेकर के शुरुआती से छह सिलाई इसकी बुनाई कर लेनी है। तो फ्रेंड देखिए इसको हम इतना बना करके फिर आगे दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये छह सिलाई पूरी हुई, एक दो तीन चार पांच, पांच दिख रहा है और एक जो इसमें रहता है इसमें रहता है, इसको लेकर के छह सिलाई। इधर से देखिए एक दो तीन चार पांच छह, छह सिलाई पूरी हुई। अब फिर नई डिजाइन बनाना है। नए डिजाइन बनाने के लिए देखिए किनारे का फंदा उतार लिया या बुना, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, एक में से पांच बनाए थे, अब की बार हमें जो है पांच फंदे का एक करना है, तीन चार ये पांच, पांचों फंदे को एक साथ बुनना है, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा पीछे ही रहेगा। अब जो एक फंदा ये उल्टा दिख रहा है इसमें से पांच फंदा बनाना है, एक धागा आगे किया दो, बुना तीन, धागे आगे किया चार, ये पांच, एक फंदा सीधा। जैसे फ्रेंड फर्स्ट सिलाई में बनाए थे उसी तरह से ये डिजाइन जगह चेंज करके जहाँ बढ़ाए थे वहाँ घटाया गया है, और जहाँ घटाए थे यहाँ नीचे वहाँ अब की बार बढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इसको हम थोड़ा सा बनाए हैं। तो फ्रेंड देखिए ये डिजाइन बन करके कितनी खूबसूरत आई है, कितना सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड देखिए अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। बाय बाय।